तो आज का जो विषय है हमारा परिचर्चा का विषय, इस पर हम आगे बढ़े। इससे पहले हम विषय को जान लेते हैं क्या है। आहार विहार की श्रृंखला में हम आज आहार विहार का जो अध्याय है इसकी श्रृंखला में हम देखेंगे विरुद्ध आहार की चर्चा करेंगे। और ये विरुद्ध आहार किसके साथ क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो विरुद्ध आहार में क्या क्या हो सकता है, फिलहाल हम देखते हैं कि अक्सर कर हम लोग क्या होता है, शादी और पार्टियों में अपने लोगों के साथ में जाते हैं और देखते जाते हैं कि कुछ लोग जो हैं बिना सोचे समझे कुछ भी खाते पीते जाते हैं, और कई लोग जो हैं जिनका दूसरे दिन परिणाम देखने को मिलता है, पेट खराब हो गया है या ना खाएं या सारी जो चीजें दूसरे दिन परिणाम देखने को मिलता है, पेट खराब हो गया है या ना खाएं या सारी जो चीजें, ये क्या हो रहा है, दूसरे दिन परिणाम देखने को मिलता है, पेट खराब हो गया है या ना खाएं या सारी जो चीजें, ये क्या हो रहा है, दूसरे दिन परिणाम देखने को मिलता है, पेट खराब हो गया है या ना खाएं या सारी जो चीजें, जल्दी क्या हो रहा है, ये गूगल्स का ये करे क्या, ये बंद कर दे, फेसबुक का बंद है, बंद हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो गया, ये आवाज क्यों आ रहा है सर, क्या बता प्रशांत दादा म्यूट कैसे हो गए, हाँ ये आवाज चार चार आने लग गई, चार चार आवाजें आने लग गई थी। आपका कुछ खुला हुआ था क्या, नहीं चले फिर हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे सभी, हाँ दादा आवाज आ रही है, ओके ठीक। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं सभी को बड़ा नमस्कार, और आज हम एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका आहार विहार के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। आहार विहार के ही परिणाम स्वरूप जो हमारा दिनचर्या खराब होती है या दिनचर्या बिगड़ने के कारण जो भी स्थितियां खराब होती हैं, जिसके कारण बीमारियां आती हैं, उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें आहार विहार की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा विरुद्ध आहार की हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसके साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर हम आज विषय रहेगा हमारा। तो सभी को एक बार प्रणाम, नमस्कार शुरू करते हैं, बीच में कोई व्यवधान रहा इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। अक्सर कर देखा जाता है कि हम शादी ब्याह और पार्टियों में क्या होता है कि हम अलग अलग प्रकार के भोजन के साथ में किसके साथ क्या मिक्स करना है, ये हमें जानकारी के भी अभाव में हम कुछ न कुछ कभी किसी के साथ किया कभी किसी के साथ किया ऐसा मिक्स होकर के हम खा ले रहे, इसके जो परिणाम होते हैं वो बड़े घातक होते हैं कई बार। तो ऐसी स्थितियां जो हैं हमें बहुत ज्यादा बीमारी का सामना कई बार करना पड़ जाता है। तो किस टाइप की बीमारियां रहती हैं क्या रहती हैं, इस पर हम चर्चा करने का भी करने वाले हैं।
तो अक्सर कर आपने देखा होगा शादी ब्याह में बिना सोचे समझे जो हम खाते हैं, अगले दिन कई लोगों का पेट खराब होने लगता है, तो कुछ लोगों को अन्य तरह की समस्याएं होने लगती हैं, जिनको पेट में दर्द होने लगता है, किसी को अलग अलग तरह की रैशेज होने लगते हैं, स्किन में कोई एलर्जी वगैरह इस टाइप की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब विरुद्ध आहार का प्रयोग होने की वजह से होता है। अब ये विरुद्ध आहार होता क्या है, हम किसको माने विरुद्ध आहार, एक हम इस विषय पर चर्चा करें तो क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि विरुद्ध आहार क्या है, किसके किसे कहा जाए, यानी ऐसा कौन सा फूड है जिसको विरुद्ध आहार बोला जाए, इसकी परिभाषा क्या करे कि वो विरुद्ध आहार हो, है ना। किसी को कोई बात कहेंगे भाई ये चीज है तो ये कुछ है, तो इसका आशय क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, ऐसा कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो कुछ खाद्य पदार्थों स्वभाव से ही हानिकारक होते हैं। क्या होता है, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे जो स्वभाव से ही हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर कर अकेले में अकेले अकेले खाने पर वो गुणकारी प्रतीत होते हैं, और कुछ दो आहार को हम मिक्स करते हैं जिनके कारण वो बेस्वाद भी लगते हैं, साथ में उनका उसमें कई बार जो स्वास्थ्य के लिए हितकर भी नहीं है, अहितकर नजर आ जाते हैं। तो ये गुणकारी नहीं कुल मिला के ऐसे, लेकिन जब उन्हीं पदार्थों को हम किसी अन्य पदार्थ के साथ में काम में लेते हैं तो वो बड़े अच्छे स्वास्थ्य भी हो जाते हैं। कई बार दो अन्य पदार्थों को जोड़ने से तीसरा जो पदार्थ तैयार हो रहा है वो बड़े और शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। कभी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक हो तो कभी स्वाद के दृष्टिकोण से, यही जो हानि जो पहुंचाते हैं, जो भी हमारे आहार कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये जो शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, यही आहार कहलाते हैं। क्लियर। तो इसकी एक आसान सी परिभाषा की जाए तो ये है कि जो शरीर को ऐसे दो विरुद्ध आहार अकेले अकेले खाने पर अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा शरीर को लाभ देते थे, और जब उनको हम किसी अन्य आहार के साथ में मिला देते हैं, दो पदार्थों को एक साथ, जो उसके साइड इफेक्ट या खराबियां जो हमारे शरीर पर दिखती हैं वो ही विरुद्ध आहार हैं, और विरुद्ध आहार का परिणाम हमारे शरीर पर है, विपरीत परिणाम दिखता है तो वो विरुद्ध आहार कहलाता है, और यदि अनुकूल प्रभाव दिखता है तो ये विरुद्ध आहार नहीं है, स्वास्थ्य करे शरीर के लिए। अब विरुद्ध आहार के प्रयोग से कई लोगों को बड़ी बड़ी छोटी सब तरह की बीमारियों का खतरा होने लगता है। खास तौर से क्या होता है, रस और रक्त धातु आपके प्रदूषित हो जाते हैं, और यही दोषों को बढ़ाते हैं तथा मलों को भी शरीर से बाहर नहीं निकलने देते। कई बार क्या होता है कि कुछ आहार ऐसे चले जाते हैं शरीर में जो जो हमारे दोषों को बढ़ा देते हैं, और मल को भी, जो हमारे दोष हैं मल हैं उनको भी शरीर से बाहर निकलने नहीं देते, वहीं पे वहीं जाम कर देते हैं उसको। तो ऐसी परिस्थितियां जो बन जाती हैं शरीर में वो बड़ी घातक हो जाती है, जिनके कारण बड़ी से बड़ी बीमारियां हमारा स्वागत करने के लिए आतुर रहती हैं। कई बार आपको कुछ गंभीर रोगों के जो है कारण समझ में तो आते नहीं है, लेकिन क्या होता है, गंभीर रोग हो रहे होते हैं शरीर में, असल में उनका कारण जो है विरुद्ध आहार ही होता है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि इस प्रकार के विरुद्ध आहार का लगातार यदि हम सेवन करते रहे, क्या लगातार यदि हम सेवन करते रहते हैं तो क्या होता है, शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं, और धातुओं
में भी दूषितता आने लगती है, दूषित होने लगती है धातुएं। और क्या हो जाता है, और होता है विरुद्ध आहार कई तरह के रोगों का कारण बन जाता है, जो बड़े रोग होते हैं उनका कारण बन जाता है, जो शरीर से फिर जाने का नाम नहीं लेते, वो अपना ठिकाना बना के बैठ जाते हैं। अब विरुद्ध आहार अनेक प्रकार से आ सकते हैं। अब इनके प्रकारों का वर्णन समझते हैं अपन कि किस प्रकार क्या करने से विरुद्ध आहार पनप सकते हैं, राइट। तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं विरुद्ध आहार के, तो हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो नंबर वन पे हम रखें, तो इसको हम समझें, तो नंबर वन पे इसको देश की दृष्टि में विरुद्ध आहार, दादा आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही है जी। उनका कोई फोन आ गया होगा ना। अच्छा, हेलो, क्या हो गया, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कोई कॉल आ गया होगा, पता नहीं कहां से, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादा। कॉल आया तो काट दिया। आवाज आ रही मेरी? आज बहुत डिस्टर्बेंस है, आज पहला कारण दोबारा से लिखवा दो। ये ऑटो ऑन हो गया, मेरे को पता ही नहीं पड़ा, वो भी कर रहा बंदा अलग से। हेलो हेलो, ऑटो ऑन क्यों हो रहा है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, आवाज भी डबलिंग ट्रिपलिंग आ रही है। हाँ बिल्कुल। पता नहीं क्या क्या हो रहा है सब। है फौजी हेलो, आवाज आ रही मेरी? फिर नंबर वन शुरू करो। ऐसा क्या हो रहा है? हेलो हेलो। हाँ अभी आवाज तो सही है। फेसबुक लाइव बंद कर दे क्या दीदी? शायद वो हेडफोन से भी कभी कभी होता है। हाँ हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी ठीक है, अभी ठीक है, बराबर है। हाँ हेडफोन से हो रहा था शायद। है ओके, चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, नंबर वन से ले रहा हूँ वापस।
तो नंबर वन को हम देखते हैं तो हमारे देश की दृष्टि में विरुद्ध आर, तो देश की दृष्टि में विरुद्ध आर कैसे हो सकते हैं इसको हम समझते हैं। जैसे कि नमी प्रधान स्थानों पर, नमी वाले स्थानों पर हम यदि जाते हैं और वहां पर कोई चिकनाई वाले पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ये चिकनाई युक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं, या ठंडी तासीर वालों का पाले पदार्थों का चीजों का सेवन करते हैं, तो इसके कारण हेलो सर आवाज क्लियर नहीं है, क्या आप एक बार हेडफोन रिमूव करके फिर कर सकते हैं क्या एक बार कोशिश? हेडफोन बंद कर दूं? ले लीजिए हेडफोन बंद कर दो। हाँ जी अभी आवाज कैसी आ रही? हाँ आ रही है अभी। ठीक आ रही जी? लोग आप लोगों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी बस ये है। हेलो मैंने म्यूट तो बंद कर दिया, मतलब सब लोगों का खोल दिया है। चलिए ठीक है हम शुरू कर रहे हैं। तो नंबर एक जो है हमने चर्चा की थी, हम देश की दृष्टिकोण में देख रहे थे, देश की दृष्टिकोण में विरुद्ध आर कैसे हो सकता है। तो जो देश है हमारा जैसे केरल है या मद्रास है, ये कहाँ है? ये कहाँ पर है? समुद्र के किनारे पर है। कलकत्ता है, कहाँ है? समुद्र के किनारे पे। ठीक है, ये विशाखापट्टनम चले जाएंगे, त्रिवेंद्रम चले जाएंगे, ये सब समुद्र के किनारे पर। तो यहाँ पर क्या है? नमी ज्यादा है। नमी ज्यादा होने से क्या है यहाँ पर? यहाँ के जो आहार है, यहाँ के जो खान पान है, यदि ऐसे जो नमी प्रधान क्षेत्रों का यदि खान पान हम प्रयोग में लाएंगे वहां जाके, और नमी वाले खान पान जो ठंडी तासीर के खान पान प्रयोग करेंगे, तो एक समस्या यही आएगी कि हमारा शरीर भी नमी युक्त तो और ज्यादा, हमारे शरीर में नमी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना? तो जब नमी ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी उससे रिलेटेड, यानी नमी वाली चीजें ज्यादा बढ़ेगी, उसमें ड्राइनेस नहीं रहेगी शरीर में और कुछ जरूरत से ज्यादा स्थितियां खराब फील होंगी। तो पहले नंबर पे हमने ये देखा, राइट? तो हमने क्या देखा, ये तो स्थान विशेष का जो प्रभाव है वो हमने देखा। क्या देखा? स्थान विशेष का प्रभाव देखा। क्या देखने में आया खास तौर से? नमी वाले स्थानों पर जाने पर क्या हो रहा है, चिकनाई युक्त पदार्थों को हम लोग खा रहे हैं, ठंडी तासीर वाली की चीजों को हम यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, शरीर में भी उससे रिलेटेड जो जो परेशानियां बढ़ रही हैं शरीर में और ज्यादा क्या होगा, एक तो बाहर भी नमी थी और वहां पर भी ज्यादा परेशानी थी, और जिसके कारण हम लोग नमी के कारण परेशान थे, हमारे पसीना सीना या ऑयली स्किन हो रही थी, है ना? तो नमी प्रधान स्थानों पर हम थे और नमी वाले पदार्थों का भी हम सेवन कर रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, हमारे यहाँ की शरीर की भी तासीर ठंडी रहेगी, तो वहां का जो प्रभाव जो ठंडा है वो हमारे शरीर को ठंडा कर सकता है, यानी ठंड से जुड़ी हुई समस्याएं हमारे शरीर में बढ़ने लगेगी, यानी आहार का दृष्टिकोण से बैलेंस हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। ये देश की दृष्टिकोण से क्या माना जाएगा, ये विरुद्ध आहार माना जाएगा, क्योंकि देश कहते हैं ना देशा देश वे सभी, अब किसी गर्म पर्दा गर्म जगह पर चले जाएंगे अपन केरल मद्रास में, तो वहां पे ठंडी वहां पर उठा करके हम लोग सरसों के तेल की सब्जी बनाने लग जाएंगे, सरसों के तेल में या सरसों खाने लग जाएंगे, तो क्या होगा, वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, देश विरुद्ध हुआ आहार, और वहां पर जाकर के हम जो है बाजरे की खिचड़ी खाने लग जाएंगे, राजस्थान में खाएंगे तो ठीक है, लेकिन वहां साउथ में जाके खाने लग जाएंगे तो कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा।
या वहां पर जाके, और कुछ पर ऐसे आहार जो नॉर्थ में खाए जाने वाले हैं वो वहां पर साउथ में खाने लग जाएंगे, तो वो मतलब कुल मिला के जो आहार वहां के परंपरागत आहार बन चुके हैं उसके विपरीत हम कुछ भी किसी अन्य देश का आहार वहां पर खाएंगे तो देश विरुद्ध आहार हो गया कुल मिला के, ऐसे शॉर्ट में समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे जो देश विरुद्ध आहार हैं वो हमें स्वास्थ्य के लिए अहित कर, और ये ही विरुद्ध आहार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये विरुद्ध आहार कहलाएंगे, क्योंकि देश विरुद्ध है, देश की क्षेत्र से विपरीत है। नंबर दो पे हम देखें तो हम देखेंगे कि मौसम की दृष्टि में विरुद्ध आहार, जो मौसम बदल रहा है, मान लो सर्दी का मौसम आ गया, हम तिल के लड्डू वड्डू खाते हैं सर्दी के मौसम में, अब उसकी जगह हम ये करें कि भाई गर्मी वाले आहार खाने लग जाएं, तो फिर कैसे काम चलने वाला है? अब गर्मी का अपन वाटरमेलन खाने लग जाए सर्दी के दिनों में तो फिर कैसा होगा? ऐसे ही गर्मी की लस्सी वस्सी, ठंडी लस्सी जो है गर्मी में पीने लग जाए, मतलब तो सर्दी में पीने लग जाएंगे दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो फिर क्या होगा? ये जो कंडीशन है ना बड़ी विचित्र और खराब हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? मौसम के विरुद्ध आहार हो गया, ठीक है ना। जैसे जाड़ों में ठंडी व रूखी चीजें हम लोग यदि खाना लग जाएंगे तो सेहत के विरुद्ध हो जाएगा, तो वो क्या होगा? ड्राईनेस। सर्दी में भी स्किन में भी ड्राईनेस आता है, तो हम क्या करते हैं? मॉइस्चर का प्रयोग करते हैं, होंठ फटने लगते हैं लोगों के, पैर में बिवाइयां फटने लगती है, तो क्या करते हैं? मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम लोग और रूखे सूखे आहार का प्रयोग करते रहेंगे जिसमें स्निग्धता चिकनाई बिल्कुल नहीं है, तो वो बॉडी में ऑलरेडी ड्राइनेस थी, वो ड्राइनेस पैदा करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? तिल के लड्डू और ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं। पाचन अग्नि की दृष्टि में विरुद्ध आहार। अब ये पाचन अग्नि के दृष्टिकोण में कैसे होगा? तो जैसे मंदाग्नि किसी को बीमारी है, यानी हमारी जो है खान पान में मंदाग्नि हो गई, यानी हमारा खाने का पाचन अभी बिगड़ा हुआ है, भूख लगती नहीं है हमको, ठीक है। तो पाचन अग्नि के दृष्टिकोण से ये मान लो भारी चीजों का हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? अग्नि हमारी मंद है, स्टमक की, पेट की अग्नि हमारी मंद हो चुकी है, लेकिन यदि हम क्या कर रहे हैं? भारी खाना, चिकनाई युक्त खाना, इस टाइप का कुछ, या मधुर रस वाला खाना, या ठंडे आहार, ठंडी तासीर वाले खाना है। ये ठंडी तासीर वाले सब क्या हैं? तासीर में भारी है, ये सब भारी हैं। तो ऐसे ठंडी तासीर वाले खाने या मधुर तासीर वाले भोजन या मधुर रस का हम प्रयोग ज्यादा करेंगे तो ये क्या है? ये सब के सब जो है मिठास युक्त भोजन का जो सेवन करते हैं तो ये सब क्या है? हमारी अग्नि को ऑलरेडी मंद है अग्नि, और कम कर देंगे, खराब कर देंगे। तो ऐसे आहार भी हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये पाचन अग्नि के विरुद्ध आहार हुए। यदि किसी को भूख कम लग रही है और उसको और ज्यादा लोड दे देंगे कि लो भाई और पचाओ, तो फिर दिक्कत है ना। जैसे कि कोई एक आदमी एक थैला उठा के चल सकता है, अब उसको चार थैले पकड़ा देंगे तो कुली थोड़ी है वो कहेगा मैं कुली थोड़ी हूँ भाई। तो ये जो स्थिति जो बनेगी ना तो उसके विरुद्ध है ये। तो पाचन भी, पाचन की भी क्षमता भी शरीर के अंगों के ऊपर तो निर्भर कर रही ना, उसमें बहुत सारे अंग इन्वॉल्व रहते हैं, आते वाते मुंह सब चीजें। तो जब क्षमता नहीं है हमारी तो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा भारी आहार, तो फिर क्या होगा? ये पाचन के विरुद्ध कहलाएगा। दूसरा उसके बाद में देखेंगे मात्रा के दृष्टिकोण में, मात्रा के दृष्टिकोण में विरुद्ध आहार क्या हो सकता है? जैसे शहद और घी दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिला है, एक चम्मच शहद एक चम्मच घी, क्या होगा? दोनों ही विरुद्ध आहार है, मतलब दोनों जहर बन जाते हैं। शहद और घी बराबर बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो क्या होगा? दोनों जहर है, पॉइजन बन जाएंगे। अब इसी को, शहद को आप आधा चम्मच ले लो, एक चम्मच घी ले लो, या एक चम्मच घी ले लो या आधा चम्मच शहद ले लो, मात्रा को अप एंड डाउन करके लोगे तो यही अमृत का काम करेंगे। तो ये मात्रा विरुद्ध आहार कहलाएंगे।
ऐसे कई आहार होते हैं जो मात्रा विरुद्ध लेने पर फायदा करते हैं, है ना। तो मात्रा विरुद्ध आहार जो है ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाते हैं। दोषों के दृष्टिकोण में दोष दोष क्या होते हैं, वात पित्त और कफ, राइट। तो वात प्रकृति वाले लोगों को वात बढ़ाने वाले पदार्थ और कफ प्रकृति वाले लोगों को कफ वर्धक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब किसी को वात बढ़ा हुआ है, सिर पे बाल वाल सब झड़ रहे हैं, है ना, स्किन फट रही है, होठ फट रहे हैं, पैरों की विभाइयां फट रही हैं, ऐसे आदमी को बोलेंगे भाई लोग जो ये जो है ना चने चने सूखे चने होते हैं ना, वो उसको भून करके चना वो बना देते हैं, तो वो खाने को दोगे या दालें खाने को दोगे, ज्यादा हरी सब्जियां नहीं दोगे, तो ऑलरेडी उसका वात बढ़ा हुआ है और वात बढ़ जाएगा। किसी को वात के कारण दर्द की तकलीफ हो रही है, ऐसा खाना दे दोगे जो तासीर में ठंडा है, तो उसको और ज्यादा बढ़ जाएगा रोग। तो ये वात प्रकृति विरुद्ध हुआ। तो प्रकृति क्या आती है हमारी, कब पित्त और वात, और इसके विरुद्ध अपन ने कुछ भी खा पी लिया तो फिर वो खराब हो जाता मामला। तो ये प्रकृति विरुद्ध आहार हो गया, राइट। अब देखते हैं दोषों के दृष्टिकोण से ये हुआ, यानी हमारे वात पित्त कफ क्या है, त्रिदोष है, तो उनकी दृष्टि में ये विरुद्ध हुआ। संस्कार या पाक की दृष्टि में जैसे खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में पकाकर खाना, अब मान लो नींबू का पानी है, तांबे के बर्तन में रख करके नींबू का पानी पियोगे तो मरना थोड़ी है, वो तो खराब हो जाता है। तो तांबे के बर्तन में कई लोग क्या करते हैं, रात को नींबू का पानी रख देते हैं या पीतल के बर्तन में रख देते हैं, तो खराब हो जाता है वो। तो ये क्या हुआ, ये उसके दृष्टि में विरुद्ध है, संस्कार के दृष्टिकोण में विरुद्ध है। तो ये ऐसे भी विरुद्धता होती है जिसको हम मान लो, अब वो पानी हरा हो जाता है, उसके अंदर तांबे में नींबू का पानी रख दो तो हरा हरा हो जाएगा, अलग से उसका टेस्ट हो जाता है, कभी हरा नहीं होता तो कुछ और हो जाता है। तो ये इसके संस्कार विरुद्ध है, है ना। तो तांबे और पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। अभी इमली की चटनी बना के तांबे के बर्तन में रख दोगे तो खराब हो जाएगी, और पीतल के बर्तनों में रख दोगे तो भी खराब हो जाएगी। या उसमें पीतल के बर्तनों में पकाने लग जाएंगे खट्टे पदार्थ तो भी खराब है। अभी अपन क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, वीर्य की दृष्टि से। तो वीर्य क्या है हमारा, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। वीर्य दो प्रकार के होते हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। उष्ण वीर्य यानी गर्म तासीर के जितने भी पदार्थ हैं वो सब उष्ण तासीर यानी उष्ण वीर्य कहलाते हैं। शीत वीर्य वो कहलाते हैं जो ठंडी तासीर वाले हैं। तो गर्म तासीर और ठंडी तासीर वाले उष्ण वीर्य और शीत वीर्य कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को जो उष्ण वीर्य पदार्थों के साथ में खाना, शीत वीर्य पदार्थों को उष्ण वीर्य पदार्थों के साथ खाना, ये क्या हुआ, वीर्य विरुद्ध हुआ। क्या हुआ, वीर्य विरुद्ध हुआ। कैसे, जैसे हमने सुबह उठे, कुछ लोग क्या करते हैं, दो एक गिलास एक भगोनी में पानी डाल दिया, उसको खूब गर्म कर लेते हैं। अब घर के उसमें गुनगुना रखना है तो क्या करो, उसमें दो चार गिलास और मिला दो, गुनगुना हो जाएगा। क्या गुनगुना हो गया है, क्या नहीं हुआ, यानी एक तरफ आपने गर्म पानी गैस पर किया हुआ था और उसमें ठंडा पानी मिला दिया, तो गर्म और ठंडा यानी अपने पीने लायक बनाने के लिए, निवाया बनाने के लिए आपने गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया, तो ये क्या है, विरुद्ध आहार है। अब आधुनिक विज्ञान की दृष्टिकोण में क्या है, ये सरफेस टेंशन बढ़ा देगा। फिजिक्स में जाओगे तो क्या बोलेंगे, ये सरफेस टेंशन बढ़ाएगा। तो सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ कंटेंट कुछ भी लेंगे तो शरीर के अंगों को
तोड़ेगा, मरोड़ेगा, उसमें तकलीफ पैदा करेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन विरुद्ध कोई भी चीज होगी तो वो शरीर के अंगों को खराब कर देगा। तो जो ऐसा विद्वान काम करते हैं सुबह उठ के, आज से बंद कर देंगे लगता है कि क्या करते हैं, वही एक एक गिलास मैंने गर्म पानी किया था, कोई बात नहीं इसमें से सब ले लेना, थोड़ा थोड़ा उसमें ठंडा पानी मिला ले। तो ऐसा जो काम करते हैं ऐसे लोग जो हैं आज से बंद कर देंगे मुझे लगता है शायद। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूं, तो सभी लोग करते हैं अक्सर कर, मैंने देखा ज्यादातर घरों में, मैं क्योंकि मैं घुमक्कर प्राणी हूं, घर घर की कहानी, घाट घाट की कहानी पता है तो जा रहा हूं, लोग ऐसे ही करते हैं, कई बार उनको बताना पड़ता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं करो। तो ये जो सारी चीजें हैं इसके विरुद्ध है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और क्या, कुछ लोग बोलते हैं जी ऐसा करो अभी तो मौसमी का जूस पीना है पी लो, कोई बात नहीं आ गया है तो गाजर का जूस पी ला लो, चाय भी आ गई अभी 10 मिनट बाद में चाय आएगी जब पी लेंगे। ये 10 मिनट और 15 मिनट का जो गैप है ये आपको मार डालेगा, बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि वाग्भट जी, महर्षि वाग्भट लिखते हैं, ये कहीं किताब में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, महर्षि वाग्भट लिखते हैं कि कोई भी खाने को लिक्विड को पचाने के लिए, यानी लिक्विड को यहाँ से, पानी को यहाँ से जाने के लिए, यूरिनरी ट्रैक तक पहुंचने के लिए या बॉडी में अंदर जाने के लिए यहाँ से कितना समय लगता है, 48 मिनट लगते हैं। अब 48 मिनट का जो समय लग रहा है मैडम, दरवाजा बंद कर दो, भाभी जी की इनकी आवाजें बहुत आ रही है। ब्लूटूथ लगाते हैं ना, उसमें नॉइज कैंसिलेशन का सिस्टम होता है, इसमें नहीं है ना, डायरेक्ट अपन क्लास लेते तो इसमें नहीं होता, ये सारी आवाजें कवर करेगा। तो वीर्य के दृष्टिकोण से हमने देखने का प्रयास किया शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, राइट। दादा आप बता रहे थे महर्षि वाग्भट ने लिक्विड को पचाने के लिए 48 मिनट, हाँ जी आप बता रहे थे कि महर्षि वाग्भट ने बताया था लिक्विड को पचाने के लिए 48 मिनट। हाँ राइट राइट राइट, महर्षि वाग्भट लिखते हैं कि भाई 48 मिनट जो है समय यहाँ से, वो लिखते हैं 52 पल लगते हैं, 52 पल को आज के युग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो पल प्रति पल ऐसे होता था पहले, अब हम अंग्रेजी सिस्टम में आ गए हैं तो अब इससे कैलकुलेट करते हैं उसको, तो 48 मिनट कुछ टाइम आता है, तो 48 मिनट में वो उनके हिसाब से 52 पल में होता तो हमारे आज के हिसाब से 48 मिनट का समय लगेगा, यानी हमारा जो लिक्विड है पानी वो अंदर पहुंचने में उसको 48 मिनट का समय लगेगा एडजस्ट होने में बॉडी के अंदर। तो इससे पहले अपन कुछ भी खा पी लेंगे तो उससे यदि मिलता जुलता हुआ तो फायदा करेगा, और यदि वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, वो तो कहते हैं एक चीज ली है तो उसको कम से कम पूरा डाइजेशन उसको होने दो तब आप करोगे। मतलब किसी को एक काम दिया है, एक व्यक्ति को किचन के अंदर एक बहन जी गई है कि चलो ऐसा करो दीदी चाय बना के ले आओ, अभी फिर दूसरा ऑर्डर कर दिया, नहीं नहीं चाय के साथ में वेफर्स भी ले आओ, नहीं नहीं कॉफी भी ले आओ, नहीं नहीं नींबू पानी भी ले आओ, वो बिचारी आदमी है या मशीन थोड़ी है। तो ये जैसे हमारे विचारों में भी एकदम एक रूपता नहीं आती है, वैसे शरीर के अंदर भी शरीर को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, हमारे सिस्टम में भी चीजों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अचानक से कोई भी की हुई समस्या बन जाती है ऐसा उन्होंने बताया। तो यदि हम क्या है अभी पानी पिया,
अभी हमने या मौसमी का जूस पी लिया या अभी नींबू पानी पी लिया और अभी आधा घंटे में 10-5 मिनट बाद ही हम चाय पी रहे हैं, या किसी मित्र के यहाँ गए थे आज, या किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, उनके यहाँ पर अभी चाय पी ली, वो वहीं ज्वाइंट फैमिली है, पास वाले कमरे में गए, दूसरी भाभी जी बोले अच्छा ठीक है यार अभी चाय पिए, काम करते हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा आए हो तो, अब वो खाना पड़ेगा, क्या खाएं भाई, क्या लाओगे, अच्छा ऐसा करते जूस बना देते, चाय तो वहाँ पी ली, जूस पी लो, अब ये जूस बन गया, ये जो जूस आया है ये एक टाइम के विरुद्ध हो गया, टाइम से पहले आ गया है, तो ये वीर्य विरुद्ध हो जाएगा, कुछ तो ठंडा है कुछ गर्म है, तो यानी अभी पहले आप ठंडा कुछ करके आए थे तो आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म के बाद ठंडा, ठंडे के बाद गर्म, ये जो है विरुद्ध आहार है, एक तरह से शीत वीर्य है, उसको उष्ण वीर्य के साथ में लेना ठीक नहीं, या उष्ण वीर्य के साथ, दादा आपका आवाज बंद हो गया, आवाज तो अभी हमने चर्चा की थी शीत वीर्य को, और यानी गर्म के साथ ठंडा, ठंडे के साथ गर्म, कुछ भी लिया ऐसे ही नहाने में, नहाने में भी हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ में, आप जितना बॉडी का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग, आपने यदि नहाने के लिए गर्म पानी ले लिया, उससे ज्यादा ले लिया और सिर पे गर्म पानी डाल दिया, बहुत खतरनाक, तो ऐसे ही अंदर डालने के लिए, वो कहते हैं महर्षि भागवत तो लिखते हैं कि शरीर के ऊपर डालने के लिए तो ठंडा और अंदर डालने के लिए सदा के लिए गर्म, कभी भी ठंडा तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये ठंडा जो गर्म है, कई बार क्या होता है हम लोग एक और काम करते हैं कि छाछ रखते हैं एक गिलास के अंदर और उसमें चुस्की मारते जाते हैं, उसके साथ एंजॉय करते जाते हैं, और साथ में खाना गर्म गर्म सब्जी रोटी एकदम आ रही है और उसको खाते भी जा रहे हैं, बीच बीच में एक आध चुस्की छाछ का भी ले रहे हैं, तो ये जो ठंडा और गर्म हो रहा है बहुत खराब, बहुत खतरनाक, ये भी उसी का विरुद्ध आहार हो गया एक तरह का, चाहे वो भले ही दोनों आहार एक दूसरे के साथ सपोर्टिंग में है लेकिन उसकी जो तासीर है वो विरुद्धता ला रही है, उसमें आहार विरुद्धता नहीं ला रहा है, आहार में तो ठीक है फायदा है लेकिन विरुद्धता किसमें आ रही है, उस तासीर में आ रही है, उसकी जो ठंडी तासीर या गर्म तासीर उससे आ रही है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, राइट। तो जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो ना तो वो खाना को पचने देगा, न खुद पचेगा ना उसको पचने देगा, तो ऐसा जो अपच भोजन जो सड़ेगा शरीर में जाके ये बीमारियां आपको लाएगा पक्का है। हाँ इन्होंने भी यही लिखा है कि बिल्कुल, जैसे सपोज करो कि शीत वीर्य है, शीत वीर्य में हमने क्या किया, संतरा मौसमी अनानास इसका फल का जूस ले लिया और फिर उसके बाद में या दही या लस्सी वस्सी ले लिया ठंडा, लेकिन उसके इससे पहले याद है उसके बाद में 10-15 मिनट बाद फिर चाय पी ली हमने, तो ये शीत वीर्य और उष्ण वीर्य हो गया, ऐसे करके ये बड़ा खराब हो गया, या तो वो या वो, दोनों में से आपको चयन करना पड़ेगा। अब देखते हैं पाचन के आधार पर, पाचन के आधार पर विरुद्ध आहार क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ लोगों का पाचन तंत्र बहुत ही मतलब कहते हैं कि खराब होता है, जिसकी वजह से बहुत सख्त मल का त्याग होता है, इनका कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, बहुत पाचन इतना खराब रहता है उनका, कॉन्स्टिपेशन ड्राइनेस बॉडी में ज्यादा होती है, जिसके कारण शरीर में पानी भी सूख जाता है, जिसके कारण क्या होता है ड्राइनेस बॉडी में ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है,
ये जो ड्राइनेस बढ़ जा रही है, अधिकांश लोग इसी तरह से कब्ज का शिकार बन जाते हैं और इन्हें मल त्याग करने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे लोगों को कब्ज बढ़ाने वाले, वात और कफ बढ़ाने वाले चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी वात और कफ बढ़ाने वाले, जब वात, कब्ज क्या है, वात का ही रोग है, वहां पर ड्राइनेस आ गई है, तो वात बढ़ाने वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या उसमें हमारे मल में चिकनाई आ गई है तो आप इस उसमें मल का जो कलर ऐसा चिकना चमकना सा दिख रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कफ वाली चीजों का प्रयोग बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कफ वाली चीजें, ये विरुद्ध आ रही है, आपको मैं मल में बता चुका हूँ। तो इस तरह से इसको देखना पड़ेगा। अब किसी को 10 लगे हुए हैं, सपोज करो किसी में ये विरुद्धता कैसे आ रही है, 10 लगे हुए हैं किसी को, और हम खाना भी दस्तावर जो है फ्रूट का जूस वूस पी रहे हैं और बढ़ेगा दस्त, हरी सब्जियां खा रहे हैं और ज्यादा दस्त बढ़ जाएगा, राइट। तो इसके विरुद्ध हो गया ये, तो विरुद्ध हो गया तो ऐसे आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 10वें नंबर पर देखते हैं शरीर अवस्था की दृष्टि में, तो शरीर की जो अवस्था है उसकी दृष्टि में देखते हैं, वो शरीर की अवस्था के दृष्टिकोण में कैसे होता है। तो जैसे कि अधिक चर्बी वाले अर्थात मोटे व्यक्ति हैं कोई, और मोटे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं हम, फिर वापस चिकनाई युक्त मक्खन वक्खन तला भुना ये सब कुछ दे डालते हैं, एक तो बेचारे का ऑलरेडी वेली वजन बढ़ा हुआ है, और ये जो वजन है खाना पीना भी उसको ऐसा दे दिया कि वजन बढ़ाने वाला, जरूरत से ज्यादा वो उस व्यक्ति का वजन बढ़ जाना है। तो जब ये वजन बढ़ जाना तो इसका मतलब ये उसके लिए ये विरुद्ध आहार हो गया, क्योंकि उसको फायदा नहीं कर रहा, उसमें नुकसान कर रहा है। तेल आदि का सेवन करना ये इस टाइप के ये विरुद्ध आहार हो गया। और सेवन तथा कमजोर मनुष्यों का जो जैसे सपोज करो कोई जिसके बॉडी में ड्राइनेस ज्यादा रहती है, पतला दुबला आदमी है, उसको आप ड्राई वाली चीजें दे दोगे, उसको देनी चीजें मक्खन घी तली चीजें, मतलब चिकनाई वाली चीजें उसको देंगे वात प्रधान व्यक्तियों के लिए, तो वात थोड़ा सा कम होगा उसका, और वात प्रकृति का व्यक्ति वो ऑलरेडी पतला दुबला है ना, उसकी शारीरिक क्षमता भी नहीं है, अब आपने उसको बिल्कुल ऐसा सब कुछ लो जी चने मूंगफली खाओ घूंगड़े खाओ पता नहीं ऐसे ही बोला जाता है, तो वो जो खाते हैं इस टाइप का जो आहार जिससे और ज्यादा बॉडी में ड्राइनेस आ सकती है, तो ये भी एक तरह का विरुद्ध आहार है, राइट। तो ये आपको देखना समझना पड़ेगा, अपने से तय करना पड़ेगा। 12वें नंबर पे आता है निषेध की दृष्टिकोण से। अब ये निषेध की दृष्टिकोण से देखें तो क्या हो सकता है, तो कुछ विशेष पदार्थ जिनके सेवन के बाद उनके कुप्रभाव से बचने के लिए किसी अन्य विषैले पदार्थ का सेवन अवश्य करना चाहिए। मतलब ये क्या है कि ये कहते हैं जैसे कोई पदार्थ हमने खाया है, राइट, उसके सेवन के बाद में उसके कुप्रभाव से बचने के लिए, यानी कोई एक पदार्थ लिया है और उसको हमने गलती से ज्यादा खा लिया है, जम के खा लिया है, अच्छा वाला खा लिया है, तो उसको अब उसके कुप्रभाव जो होने वाले हैं अपने शरीर में, उससे बचने के लिए अन्य विशेष पदार्थ का सेवन अवश्य जरूर करना चाहिए। जैसे अपन खाने के बाद में खाना खा लेते हैं, दिन के खाने के बाद में अजवाइन का सेवन करना चाहिए, है ना, खाने के बाद में पान वान खाते हैं लोग, तो ये भी क्या कर रहा है, दीपन पाचन का काम कर रहा है, तो ये ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए ऐसा बताया हुआ। तो ये चीजें मान लो इसके विरुद्ध कोई चीज ऐसे करते हैं, वो है भी कोई लस्सी वस्सी पी ली खाने के बाद, तो ये इसका विरुद्ध आहार हो गया।
खाना खाने के बाद में उसमें बहुत बढ़िया शानदार मीठा मीठा डाल के गाढ़ी गाढ़ी लस्सी पी ली, ये हो गया एक तरह का विरुद्धार। उसमें हाँ छाछ वाछ पीते तो ठीक था, यानी उसको पाचन के लिए सुयोग्य बना रहा है तो वहां तक ठीक, लेकिन और अब आपने उल्टा कर लिया उसका, मीठी वाली खूब जम के मीठा डाल के लस्सी बना के लिया, तो ये एक तरह का उसके प्रति विरुद्ध आहार हो गया। तो यहां बताया गया कि भाई अपन जो है किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करने के बाद जिसके उसके जो कुप्रभाव से बचने के लिए किसी अन्य ऐसे पदार्थ का सेवन करना चाहिए जो कि उसको सपोर्ट करता हो, उसको पचाने में सहयोग करता हो, या उसमें ऐसे विशेष अन्य पदार्थ का सेवन अवश्य करना चाहिए जो कि उसमें उसको पाचन में सहयोग करता हो, आसानी रहे, शरीर पे कोई नुकसान ना करे। उसके बाद किसी पदार्थ का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए, मतलब किसी अभी हमने भोजन कर लिया है उसके बाद में कोई हैवी लस्सी लेनी है तो वो अभी दो चार घंटे बाद, चार घंटे बाद ही कुछ लेना चाहिए, डायरेक्टली भोजन के बाद में सीधा कुछ भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। उसको पचाने के हिसाब से कुछ लेना है तो भले ले सकते हैं, कुछ लोग देखते हैं लस्सी भी पी लो, कभी चलो रबड़ी आ गई तो रबड़ी खा लो, ये आ गया तो वो खा लो, ये जो है ठीक नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करना विशेष निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार है। मान लो ऐसे नियमों का अपन उल्लंघन करते हैं तो ये सब क्या है, विरुद्ध आहार हो जाता है। जैसे घी के बाद ठंडे जल का प्रयोग कर लेना, घी की कोई भी चीजें खाई है ठंडे पानी पी लेना, ये भी एक तरह से विरुद्ध हो गया। तो ठंडे जल आदि पदार्थों का सेवन जो है करना, जबकि घी के बाद गर्म जल या गर्म पेय लेने का नियम है। मतलब कोई भी ऐसी तली भुनी चीज कोई खाएंगे, घी या ऐसी गिज़ा वाली कोई भी चीज होगी, उसके साथ क्या करना, गर्म जल ही लेना चाहिए। वैसे कोई भी खाने के बाद गर्म ही पीना चाहिए, ठंडा तो बिल्कुल भी भूल के नहीं, और आइसक्रीम तो बिल्कुल ही नहीं। एक कार्यक्रम में गया था तो उसमें एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके पूछ रहा, सर आइसक्रीम कब खा सकते हैं? मैंने कहा आइसक्रीम तो खा ही नहीं सकते खाने के बाद, बिल्कुल नहीं खा सकते। तो घी के बाद में गर्म जल का सेवन करना चाहिए। गेहूं व जौ से गर्म भोजन के साथ ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। भोजन के पश्चात कुछ लोग सोचते हैं कि आज कुछ ज्यादा हो गया है, हाथ पैर हिला लो, थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं, कुछ उठक बैठक लगाने लग जाते हैं, कुछ दंड बैठक लगाने लग जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना, भूल के भी कभी नहीं करना। व्यायाम जैसी तो चीजें करना ही नहीं, क्यों नहीं करना? अब आप देखो खाने को पचाने के लिए कितना एकदम सात्विक ग्रंथ बनाया, सब तरह से अच्छा ग्रंथ बना के दिया है हमारे महर्षियों ने आपको। अब आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखेंगे क्या होगा, एक्सरसाइज करने से व्यायाम करने से क्या होगा, शरीर में खून का दौरा तेज हो जाएगा, राइट? यही होता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, पसीने वसीने आने लग जाते हैं, यही होता है। पसीने तभी आएंगे जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब जैसे ही हम खाना खाते हैं इस खाने को पचाने के लिए ब्रेन ऑर्डर करता है हार्ट को कि भाई ऐसा करो कि सारा शरीर का ब्लड जो है पेट की तरफ भोजो, ताकि पेट का पाचन, वहां पे अग्नि का कंटेंट बढ़ जाएगा। रक्त में क्या है, अग्नि तत्व है, हार्मोन्स क्या है, अग्नि तत्व ही है ना। तो वो कहता है ब्रेन जो है आदेश देता है हार्ट को कि जब तक खाना ठीक से नहीं पच जाए
वहां पे ब्लड का बाहुल्य कर दो, ब्लड को वहां पे ज्यादा कर दो, बढ़ा दो, तो पेट के जितना भी सिस्टम है जहां जहां खाने का पाचन होता है वहां पर रक्त की भरमार होने लगती है, सारे अंगों से रक्त खींच खांच के इधर उधर से वहां भेज दिया जाता है। तो हार्ट क्या करता है, वहां पर सिस्टम अपना बिठाने लगता है, तो हार्ट वहां पे रक्त को भेजने लगता है, राइट। अब ऐसे में क्या कर रहे हैं, अब हाथ पैर हिला हिलू के रक्त को, अब जो हाथ पैर हिलाओगे, एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, तो फिर ब्रेन के पास मैसेज आएगा, भाई हाथ सुन्न हो जाएगा, वहां पे खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एनर्जी कम हो गई है, इसलिए ब्लड को भेजना जरूरी है, इसलिए खाना पचने के लिए तो नहीं भेज सकते, तो खाना पचेगा नहीं और उसका टाइम पूरा हो जाएगा पेट के अंदर से, तो वो आगे की तरफ सरक जाएगा। तो ऐसा अपचित भोजन जो पचेगा नहीं वो सड़ेगा और बीमारियां देगा। तो बड़ा सिस्टम कितना बढ़िया बना के दिया, खाने के बाद में तो व्यायाम करना ही करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना, हाथ पैर हिलाना बिल्कुल नहीं। हाँ, आप टहल सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, टहल सकते हैं, टहल भी सकते हैं, दिन के खाने के बाद में बताया गया है कि कम से कम 500 मीटर घूम के आओ, पैदल चलो, और रात के खाने के बाद में 1-2 किलोमीटर आप घूमो, आपका खाना क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा बॉडी। व्यायाम तो कभी नहीं, घूमना फिरना श्रेष्ठ है, वो करना ही चाहिए। चौदहवें नंबर पे आता है, तो ये इन्होंने बताया संयोग की दृष्टि से, संयोग की दृष्टि क्या होगी, तो कुछ पदार्थों को एक साथ या आपस में मिलाकर खाना, ये संयोग है। तो संयोग क्या है, कुछ पदार्थों को एक साथ मिलाकर के खाना, ये संयोग कहलाता है। तो संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार हो सकते हैं, तो कुछ पदार्थों को हम एक साथ मिलाकर खाना संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार है, जैसे कि खट्टे पदार्थों को दूध के साथ खाना। अभी दूध में क्या करते हैं, कुछ लोग कस्टर्ड मिला के कस्टर्ड बना देते हैं, मिक्स फ्रूट का वो चाट नुमा कुछ बना देते हैं, वो मिला के रख देते हैं, है ना, और कुछ पता नहीं क्या क्या प्रिपरेशन होती रहती है, वो मुझे भी नहीं पता, मैं तो आजकल इस पे दिमाग लगाता ही नहीं, खाता ही नहीं, देखता ही नहीं, तो देखना ही नहीं तो दिमाग लगाना ही नहीं, भाई क्या बनाया है, तुम्हारी मर्जी, जो खाते रहो, जिसको सुनना होगा अपने आप बीमार पड़ेगा तो अपने आके पूछेगा कि बताओ साहब क्या करूं, जब उसको समझाएंगे, अभी तो आएगा नहीं उसको, तो अभी तो मजा आ रहा है, जीभ का स्वाद आ रहा है, तभी तो केवल जीव का स्वाद चाहिए, जीव का स्वाद चाहिए तो ले लो, फिर बीमार पड़ोगे तो आना। तो जो खट्टे पदार्थ हैं उसका दूध के साथ में सेवन, और नमकीन पदार्थों का दूध के साथ सेवन बहुत खतरनाक, सबसे दूध से बनी हुई चाय, चाय के साथ में बिस्किट, नमकीन मीठा स्वाद मिलाए, ऐसे करके आजकल बिस्किट आ जाते हैं बाजार में, और भी सही चीजें आ जाती हैं, और कई तो खाकरा मामरा पता नहीं क्या क्या, इधर गुजरात महाराष्ट्र में तरह तरह की चीजें चलती रहती हैं, वो सब चल रहा है। इधर नॉर्थ में आते तो हम लोग नमकीन हो गया चाय के साथ, है ना, मूंगफली दाने, सिंग दाने, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं उसके साथ। तो ये जो क्रिया है ये बड़ा विरुद्ध आहार का भाग बन जाती है, इससे बचने की आवश्यकता है। कुछ तो तरबूज व खरबूज खाने लग जाते हैं दूध के साथ, कई लोग उसको ठंडा करके, दूध को ठंडा करके और दूध के अंदर थोड़ा सा मिला मुलू के इसका जूस वूस बना के, और पता नहीं खरबूज शेक, तरबूज शेक, ऐसे शेक बना लेते हैं, तो शेक का बड़ा फैशन चला है, तो पपीता शेक, शेक के नाम पे पता नहीं सबको शेक साहब बना दिया है। तो ये जो कहानी है आज हमारी, ये हमको बीमार कर रही है, जब से हम ये शेख बने हैं, हम भी खुद शेख बन चुके हैं। तो आगे देखते हैं, तो हम एक और चीज दिखता है इसमें,
खट्टे पदार्थों का सेवन, तरबूज दूध के साथ सेवन, नमक का मैंने आपको बता चुका, नमक वाले लवण युक्त तो कोई भी पदार्थ हो तो उसको दूध के साथ सेवन नहीं करना। अब देखते हैं रुचि के दृष्टिकोण में, आपका खाना जो खा रहे हैं इसमें आपकी रुचि है कि नहीं, आपके मन में है कि नहीं। इसीलिए तो कहावत है बनी, मन चंगा तो कचोटी में गंगा। क्या बोले? मन चंगा तो कचोटी में गंगा, यानी मन के साथ जो चलता है, अब मन के अंदर आ रही है कि नहीं मेरे को तो मीठा खाना है, अरे भाई ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा दे दो ना यार। और दूसरे वाले भाई साहब कह रहे हैं नहीं नहीं इनको तो डायबिटीज है, देना ही नहीं है, थोड़ा सा चटा दो यार, क्या फर्क पड़ता है, हल्का सा, राइट। तो इस तरह से मन के विरुद्ध जो भी आहार होता है वो और बीमारी को बढ़ाता है। हल्का वो छोटा मोटा देने में कोई बड़ा जहर नहीं बन जाता, कभी कभार तो होना भी चाहिए। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट शरीर की होती है तब मन अंदर से आपको सिग्नेचर कर, मतलब सिंबल देता है अंदर से कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं क्योंकि मन मांग रहा है। तो इस दृष्टि से, रुचि की दृष्टि से, हमारी रुचि किसमें होती, जो मन करता वही उसी में रुचि है। मेरा मन कर रहा है मीठा खाने का, मेरी रुचि उसमें। मेरा मन कर रहा है नहीं आज तो मेरे को पानी पताशे खाने, तो मेरी रुचि किसमें, पानी पता में, पानी पताशे में रुचि आएगी ना। अब मन तो कर रहा है पानी पताशे खाने का, अब कोई रबड़ी ला के दे दे तो मजा आएगा क्या? नहीं आना, आनंद ही नहीं आएगा, रुचि नहीं है मेरी, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है, फिलहाल रुचि नहीं। चाहे रबड़ी मेरा बहुत पसंदीदा भोजन हो सकता है, टेस्टी आइटम हो सकता है मेरे लिए, लेकिन अभी रुचि नहीं है, अभी नहीं है, नहीं है तो नहीं। तो ये जो रुचि के विरुद्ध जो काम हो जाता है वो बड़ा खतरनाक है, ये इसको भी विरुद्ध आहार ही माना है। तो अच्छे ना लगने वाले भोजन को विवशता वश या विवशता के साथ तथा रुचिकर भोजन को भी अरुचि से खाना क्या कहलाएगा? रुचि की दृष्टि में विरुद्ध आहार कहलाया है ना। हमारा रुचि का भोजन तो है लेकिन फिर भी अरुचि से खा रहे हैं, मन को ना महसूस करके खा रहे हैं, नहीं आज अच्छा नहीं, लेकिन अब अच्छा नहीं है, खा रहे हैं बस, अब भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, नहीं है भूख का, अब क्या हो गया, अच्छा शाम को 8 बज चुके हैं तो खाना खा ही लेना चाहिए, अब मेरी इच्छा नहीं है, अंदर से रुचि भी नहीं है उस खाने के प्रति, जबरदस्ती खाऊंगा तो वो शरीर के लिए फायदा करेगा नहीं करेगा, तो ये रुचि विरुद्ध हुआ। तो ऐसा आहार नहीं लेना ऐसा बताया गया, राइट, ये रुचि विरुद्ध। इन सभी प्रकार के, ये जो 15 प्रकार की मैंने आपको बताई चीजें, इन सभी प्रकार के विरुद्ध आहारों के उदाहरण के साथ में आपको बताया गया है। अब हम देखते हैं कि किन चीजों के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। अभी तक तो हमने देखा कि इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है ऐसा विरुद्ध आहार, ये मुद्दे के आधार पर तो ये हुआ। अब देखते हैं कि खाने डायरेक्टली हम उसको समझते हैं कि क्या ऐसा खाएं कि इसके साथ में ठीक रहे और क्या ना खाएं। तो दूध के साथ में क्या नहीं खाना, दूध के बारे में चर्चा कर। दूध के साथ में कई लोग क्या करते हैं, चावल खीर ये सब बना के रखते हैं, दूध में क्या करते हैं खीर बना लेते हैं। अब खीर में क्या करते हैं, वो जो खोपरा होता है ना नारियल, उसको घिस लेते हैं, या उसका चूरा भी उसमें डालते हैं। ये जो नारियल का जो चूरा खीर में डाला गया है ये बड़ा विरुद्ध आहार है इसका, क्यों अभी बताते हैं इसको।
तो दूध के साथ में दही, अभी आपके प्लेट में खीर रखी हुई है और दूसरी प्लेट में, उसी प्लेट में एक कटोरी में खीर रखी है, दूसरी कटोरी में आपके पास दही रखा है, तीसरी कटोरी में सब्जी रखी है दाल, और चौथी में कुछ घिया रखा है। अब ये जो सब रखा है, ये जो आप आपके सामने खाने के लिए आया हुआ है, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाएगा। कैसे आएगा? अब हम लोग और आनंद के साथ खाते हैं। क्या होता है कि पहले तो हम दाल का ऐसा खा लिया, फिर घिया के लौकी की सब्जी, भाई घिया की लौकी की सब्जी होनी चाहिए ना, पेट वेट साफ रहेगा, उससे अच्छा है, खाना चाहिए बहुत अच्छी बात है इसमें क्या। तो हम वो खाएंगे फिर एक चम्मच से उठाएंगे, उसके साथ में खीर भी खा लेंगे, मजा आया भैया, बहुत बढ़िया टेस्टी है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा, फिर एक चम्मच में उठाकर थोड़ा सा हमने वो भी ले लिया, क्या दही। अब ये क्या हुआ, सब विरुद्ध आहार इकट्ठे हो गए। तो दाल थी गरम, गरम के साथ में ठंडा दही, और उसका भी बाप खीर, तो दूध और दही साथ में हो गए, या दूध से बनी हुई चीजें दही साथ में हो गए। तो ये विरुद्ध आहार का पूरा पुलिंदा तैयार हो गया, पूरा सिस्टम ही विरुद्ध आहार का है। अब क्या खाना कैसे खाना, फिर आप कहोगे जी हम तो खाना पीना आज से छोड़ देते, व्रत कर लेने लग जाते। तो हमने क्या करा है, धीरे धीरे करके है ना, सारा सिस्टम ही ऐसा उल्टा पुल्टा कर लिया है कि अब समझ में नहीं आता है क्या छोड़ना है क्या खाना। इसलिए तो हम इतने ज्यादा बीमार दिखते हैं, नहीं तो पहले हमारे पूर्वज बीमार होते ही नहीं थे, दिखते ही नहीं थे। तो अब हमको क्या देखना है, दूध के साथ में दही, दही नमक और मूली और मूली के पत्ते, उसको सलाद बना लेते हैं, सलाद भी खाना है ना, मूली का सलाद भी है, फिर खीर भी है, फिर दही भी है प्लेट में, ये सब रखा हुआ है, वाह क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग। उसके बाद में क्या करते हैं, अन्य कच्चे सलाद भी, खीरा ककड़ी पता नहीं क्या क्या जो भी होता है वो मिल जाता है, गाजर वाजर उसको भी काट लेते हैं। सहजन का भी सलाद बनाते हैं कई बार, सहजन की पत्तियों का साग भी बनाते हैं कई लोग, बहुत अच्छा रहता है, पौष्टिक रहता है, लेकिन एक टाइम में एक ही, इसलिए तो कहते हैं ना गरीब कभी भूखा, गरीब बीमार कम होता है, अमीर आदमी ज्यादा बीमार होता है, क्योंकि तरह तरह का व्यंजन करता है वो, 36 भोग करता है, ये जो 36 भोग करना है ना ये ही उसको बीमारी लाता है, उसको पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या खाना है। गरीब आदमी तो बेचारा देखता है चलो अच्छा पालक की सब्जी आ गई है, चलो उसी के साथ रोटी के साथ खा लो, तो उसको बीमारी आती नहीं है। अनचाहे गरीब आदमी स्वस्थ है, चाहे अनचाहे, और अमीर आदमी जिसके पास, संपन्न व्यक्ति है उसके पास में सारी सुविधाएं, वो अनचाहे या चाहे वो अस्वस्थ है, रिजल्ट अपने सामने, यानी वन बाई वन खाने से तकलीफ नहीं है, सब एक साथ खाने से तकलीफ। तो मूली के पत्ते, हाँ फिर से देखते हैं अपन, दही के साथ, दूध के साथ में क्या नहीं खाना, दही नमक मूली, हालांकि मैं अभी शेयर करने वाला हूँ सबको, ये लिस्ट जो बना के रखी है मैंने, अभी टाइप करके सबको भेजता हूँ, चिंता मत करो। मूली के पत्ते, अन्य कच्चे सलाद, इमली, सहजन, खरबूजा, बेल फल, नारियल, नारियल आ गया ना विरुद्ध आहार दूध के साथ में, विरुद्ध है, नींबू, करौंदा, जामुन, अनार, आंवला, गुड़, अरे हाँ गुड़, कई लोग गुड़ डाल करके, अरे भाई ये चीनी खराब है तो क्या करो, गुड़िया शक्कर ले आओ वो डाल के खाएंगे, तो ऐसे विद्वान भी है गुड़ का प्रयोग भी कर रहे हैं। गुड़ के, गुड़िया शक्कर क्या है, गुड़ का चूरा होता है वो बच गया होता है, वो नीचे का कचरा पट्टी उठा के व्यापारी को कुछ तो बेचना होता है, तो उसको थोड़ा और पीट पाट के चूरा कर देता है, लो जी गुड़िया शक्कर ले लो खाओ।
तिलकुट, हाँ तिल के साथ में कई बार हम क्या करते हैं, वो तिल का लड्डू ले लिया एक हाथ में और गिलास दूध का भर लिया, चलो अभी सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए कुछ है ही नहीं घर में, तो लड्डू वड्डू तो बने पड़े हैं, जल्दी में जाना है, तिल के लड्डू के साथ में एक गिलास भर के दूध शुरू हो गए। उड़द, उड़द भी इसका विरोध है, नहीं? सत्तू, सत्तू कोई भी ले लो ये इसका विरोध है। तेल, तेल की बनी हुई चीजें, वो सारी चीजें विरुद्ध है। अन्य प्रकार के खट्टे फल या खटाई, मछली या मछली आदि चीजों का नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसा लिखा है, राइट। अब दही के साथ में क्या चीज छोड़ना है, खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ व गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा आदि ना खाएं। क्यों नहीं खाना है, दही की तासीर क्या है, ठंडी के गर्म है, किसी से पूछोगे तो ज्यादातर लोग बोलेंगे ठंडी, लेकिन ये गर्म है, ये आपको फिर से मैं बता दूं, ये गर्म है, गर्म चीजें के साथ में इसके साथ मैच नहीं करती, राइट। तीसरे नंबर पे देखे, खीर बना के रखी, खीर के साथ में क्या क्या नहीं खाना, कटकल, कटहल, खटाई, दही, नींबू आदि, सत्तू, शराब आदि का सेवन, कई लोग अच्छा ये शराब छूट गई थी, शराब भी ले लेते लोग, तो पैक पैक शैक एक पैक लगाया और फिर शुरू हो गए खाना पीना, वो भी चलता है ना आजकल, स्टेटस सिंबल हो गया कई घरों में। शहद के साथ में घी, शहद और घी दोनों को बराबर बराबर मात्रा में, एक चम्मच शहद एक चम्मच घी, दोनों ही विरुद्ध आहार तब बन जाते हैं जब वो बराबर मात्रा में हो, एक चम्मच शहद एक चम्मच घी विरुद्ध आहार, लेकिन आधा चम्मच शहद एक चम्मच घी बहुत बढ़िया बेस्ट आहार, विरुद्ध आहार नहीं है फिर वो, जबरदस्त है सेहत का खजाना। एक चम्मच शहद और आधा चम्मच घी तो आपका थोड़ा वजन करने में भी हेल्प कर देगा कम, और बढ़ाना हो वजन तो क्या करोगे, एक चम्मच घी आधा चम्मच शहद ऐसा कर लो, बहुत सारे फायदे, राइट। कभी घी शहद पे हम चर्चा करेंगे, बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। और क्या हो सकता है, वर्षा का जल, कई लोग डिस्टिल वाटर समझ के उसको पीते रहते हैं शहद के साथ में, तभी अपन देख रहे हैं शहद के साथ में क्या नहीं लेना है, वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर, वसा युक्त कोई भी पदार्थ हो वो नहीं, अंगूर, कमल का बीज, मूली, और क्या होता है ज्यादा गर्म जल, कई लोग गर्म गर्म पानी में वेट लॉस करने के लिए इसको शहद को डाल के ले रहे होते हैं, वो बहुत खराब, गर्म दूध के अंदर भी शहद डाल के लेना बहुत खराब, नॉर्मल चलेगा। या अन्य गर्म पदार्थ, शर्करा, शर्करा से बना शरबत, शक्कर से बना हुआ शरबत आदि चीजें ना खाएं, शहद को गर्म करके तो बिल्कुल भी कभी नहीं खाना चाहिए, ये सब हानिकारक है। तो आज मैंने बहुत ज्यादा समय आपका ले लिया है, फिर हम चर्चा करेंगे, हम एक घंटे में ही अब क्लासेस समाप्त करेंगे, नहीं तो हमारे घर वाले भी हमको कहने लग जाते हैं, हमारा हुक्का पानी बंद कर हुए क्या, तो हमारा काम भी होता रहे और चलता भी रहे। तो आपके कोई इसमें सवाल है तो आप ले सकते हैं तुरंत प्रभाव से, मैंने वाली कंडीशन नमस्कार दादा, आपने बोला है कि दूध के साथ गुड़ या शक्कर नहीं लेनी, फिर दूध में क्या डालें, चीनी भी डाल सकते हैं, ये सवाल करने वाले हो, हाँ जी, दूध तो अपने आप में वैसे ही मीठा है, कुछ डालने की जरूरत ही नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो डालते हैं ना, मैं पहले डालो मिश्री देसी खाने, हाँ ठीक है जी, और जैसे दस्त लगे होते हैं
हम सोचते हैं कि तो शरीर में पानी खत्म हो जाएगा, तो हम उसमें पानी या जूस वगैरह ज्यादा देते हैं। आप बोलते हो ये विरुद्ध आहार है। नहीं देखो, पानी जो है उसमें नमक शक्कर का घोल देते हैं अपन, है ना। अच्छा, या ग्लूकोज वगैरह ऐसा कुछ देते हैं ना। हाँ हाँ, मतलब आप सीधा जो है उसको जूस पिलाने ले जाओ, पपीते का जूस पी ले ले बेटा, फिर क्या होगा, बड़ा मुश्किल है ना। तो अभी क्या देना उसको, केला और दही ऐसा दे सकते हैं। अच्छा जी, अब ये दही और केला क्या है, विरुद्ध आहार है कि सही आहार है ये? पता नहीं क्या है, बताओ। केला मीठा है, दही दूध से बना हुआ है, ये तो मेरा ख्याल विरुद्ध आहार नहीं है। केला केला ठंडा है और दही गर्म है। हाँ जी, विरुद्ध आहार तो है, लेकिन अब ये क्यों लेना है, क्योंकि दस्त लगे पड़े, दस्त ठीक हो जाएंगे इसके साथ। ये फायदे के लिए लेना है ना, ये कुछ नुकसान हो रहा है उसको, मतलब केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो उसका फायदा भी तो लेना है। अब स्वस्थ आदमी को क्यों नहीं लेना। अब जैसे हम लोग व्रत करते हैं है ना, या हम 15-15 दिन में ये क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एकादशी। हाँ एकादशी, हाँ एकादशी के बाद लेते हैं ना, फास्टिंग के बाद। वो नहीं तो पूरा पानी पानी की तरह पतला पतला बह जाएगा ना, सारा सब निकल जाता है। अब वो तो, जरूर जाने लग जाता है, तो फिर क्यों लेना है, रोकना तो पड़ेगा ना उसको। हाँ जी, बॉडी खाली हो जाएगी फिर तो आम जैसे ही हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, पहले हम पानी पिला देते हैं, थोड़ी देर बाद चाय, ये आम ही चल रहा है ना। आम बात है, ये तो कह रहा हूँ, इसलिए तो आम बीमारियां भी आ रही है। फिर आधे ज्यादा चाय पिलाएं। केला जो है वो टॉक्सिंस को भी अब्सॉर्ब करता है ना फास्टिंग के बाद। है क्या कर रहा है केला? केला जो है हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन में पॉइजनस टॉक्सिंस होते हैं तो एब्जॉर्ब करता है, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। नहीं अब टॉक्सिन तो अपने पूरे निकल चुके हैं ना, अपन ने जब पूरा पूरा वो सबको मोक्ष कर दिया, सब निकल गया, वो तो सफाई हो गई। फास्टिंग के बाद केला खाना सही नहीं है? नहीं अच्छा है, वो तो रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो जरूर। हाँ वही तो, केले से रोकते भी है ना दस्त को। जल है पानी का, शरीर का निकल जाएगा ना, फिर बचेगा ही। तो दही केला सही आहार नहीं है ना? है वैसे सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सही है। हाँ मतलब फास्टिंग के बाद हम लोग तो दही केला खाते हैं। जब बात खाते है ना, बिल्कुल खाते हैं ना, क्यों नहीं खाता, खाना अच्छा, चाहिए। फास्टिंग के बाद खिचड़ी में हम लोग दही भी मिलाते हैं तो वो सही नहीं है? फिर क्या मिलाते हैं? दही दही लेते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि फास्टिंग के बाद तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर थोड़ी सी गर्मी भी होती है, तो खिचड़ी के साथ एक्चुअली अक्सर दही लेते हैं खिचड़ी के। फास्टिंग के बाद तो दही भी थोड़ा सा, हमने नींबू पानी इतना सारा पिया होता है, पूरी बॉडी को साफ कर दिया होता है, बिल्कुल सफाई। हाँ, तो फल खाते हैं, दही केला खाते हैं, फिर फल भी खाते हैं, फिर बाद में मतलब खिचड़ी के साथ थोड़ा सा दही ले लेते हैं तो वो सही नहीं है? खिचड़ी के साथ जो दही लेते हैं वो दही केले तक तो ठीक है, खिचड़ी के साथ भी ठीक है, लेकिन आप गर्म खिचड़ी में दही डाल दोगे तो वो कैसे ठीक है? ठंडी करके तो दादा, मतलब हल्का हल्का ठंडा ठीक है। नहीं दीदी, उसमें तो घी ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी टॉक्सिक निकल गया होता है तो उसमें नरिशमेंट के लिए घी डालना ज्यादा बेटर होता है। घी ही डाला जाता है? घी नहीं, नहीं दही, क्योंकि दही के साथ थोड़ा खाते हैं ना खिचड़ी में फास्टिंग में, थोड़ा सा दही ले ही लेते हैं, सभी लोग ले ही लेते हैं। नहीं दीदी, मगर उसमें दही केला तो आप पहले ले ही रहे हो ना? नहीं अक्सर लोग लेते हैं, मैंने बोला, मैं भी कभी कभी दे ही लेती हूँ, क्योंकि फास्टिंग में क्या है ज्यादा ये हो जाता है तो खिचड़ी वो उस तरह से खा नहीं पाते हैं लोग। थोड़ा सा विषय से अलग हो रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, उस पे तो बड़ा मुश्किल है आज। काफी लोगों को आदत है फास्टिंग के बाद खिचड़ी के साथ थोड़ा दही ले ही लेते हैं वो तो ठीक रहेगा। लोगों को पता नहीं है, खिचड़ी के साथ कहते हैं
घी पापड़ दही अचार। पापड़ तो बहुत ही एसिडिक है वैसे। But this is the saying, I mean, ये एक प्रचलन है घी पापड़ दही अचार। क्यों बनाया गया ऐसी प्रचलन क्यों बनाई गई है we don't know। पापड़ और अचार तो हम लोगों ने तो बंद ही कर दिया, पूरा एसिडिक है। और राजस्थान में पापड़ को लाल मिर्च भी लगा के खाते हैं। देखिए राजस्थान का पानी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी चीज के अत्यधिक इस्तेमाल हानिकारक है। वो एक्चुअली मैंने देखा है पापड़ की लत लग गई तो आदमी कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, चाहे वो 10 साल भी नहीं खाए तो। जंक फूड ऐसी चीज है ना, इसकी भी लत नहीं लगनी चाहिए, नहीं कंट्रोल नहीं कर पाता है वो एक्चुअली। ये हर चीजों में और विषय से संबंधित प्रश्न करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो खाली हम समय पास कर रहे हैं तो फिर कभी कर लेंगे। ये बातें प्रशांत जी एक चीज, ये बातें जो कही गई हैं ये बहुत मतलब हजारों साल पुरानी बातें हैं जब ये लिखी गई। उसके बाद मौसम में इतने बदलाव आ गए, प्रकृति में इतना बदलाव आ गया, तो क्या हमारे रहन सहन खान पान में भी वो बदलाव उचित मात्रा में मिलना चाहिए कि नहीं, सोचने की बात। ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार सारा लिखा हुआ उसके अंदर साफ साफ। अभी मैंने बताया ना कि देश विरुद्ध आहार, मतलब आपके जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जैसे बात कर रहे हैं कि पापड़ पे ये चीज लगा के खाते हैं, तो यहाँ का पानी ऐसा है, आप मेवाड़ में चले जाओ मिर्ची झोंक के खाते हैं आप, उसका दाल का छोंक आप खा जाओगे तो दूसरे दिन बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, अंदर ही बैठे रहोगे। तो ये हाँ ये होता है, ये उनके वहां की पैदाइश है, वहां की जमीन ही ऐसी है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा रहता है बॉडी के अंदर, आपके पृथ्वी तत्व ज्यादा है वहां पर बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, उस पृथ्वी तत्व को ड्रिलर चाहिए, ड्रिलर ड्रिल करके निकाल सके ऐसा चीज। तो ड्रिलर क्या है आयुर्वेद के अंदर, ये मिर्च ये ड्रिल का काम करता है, इसको ऐसे समझना पड़ेगा, आयुर्वेद के जो बेसिक कंटेंट है उसमें समझना पड़ेगा। आप कौन क्या खा रहा है ये समझने से कभी कुछ भी हल नहीं निकलेगा, मास्टरी करनी तो ऐसे समझना पड़ेगा तब होगा, बाकी ऐसे आप सोचो कि मैं आयुर्वेद पे कुछ अच्छा कर पाऊं तो बड़ा दिक्कत होगी। इसलिए हमको जो उसके बेसिक सिद्धांत हैं उनको व्यक्ति विशेष और धरती विशेष पर निर्भर करना पड़ेगा, है ना। गुजरात में जाइए, गुजरात में मीठा डालते हैं, महाराष्ट्र में डालो, महाराष्ट्र में भी ज्यादातर कुछ कई जगह जगह तीखा चलता है। हाँ, तो ये वहां की धरती का गुण है, और पतली दाल बनती है एकदम, पानी ढूंढते रह जाओगे, मतलब पानी पानी है, दाल ढूंढते रह जाओगे। यहाँ की शादियों में चले जाओ, अब एक मेरा फ्रेंड आया था बोले यार यूपी से, अब उनके यहाँ तो गाढ़ी दाल होती है, और यहाँ आया उदयपुर मेवाड़, मैंने कहा चल भाई दोस्त की शादी में, मतलब बेटी की शादी में, बोले यार तुम्हारे दोस्त भी ऐसा है तुम्हारे उसकी बेटी। सॉरी दादा, एक्चुअली मैं किसी स्टेट के बारे में नहीं बोल रही थी, वो तो मुंह से निकल गया। मेरा कहने का मतलब था कि लोग खाते हैं ऐसे, तो देश परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। जी 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 जी, किसी स्टेट के बारे में मुझे नहीं बोलना था। इसके अलावा जो आपको वहां जाना पड़ेगा, जैसे केरल, केरल में जाएंगे आप पूरा ऐसे हाथ से यूं उठा के खाया जाता खाना, पूरा यूं समेटते हैं दोनों हाथों से, और यहाँ हम चम्मच से खाते हैं। अब केरल इधर की तरफ जाओगे साउथ की तरफ, ये पूरा हाथ ही उनका सना रहता है, इनका कहना अलग है, ये भी एक विज्ञान है, ये चिकित्सा है एक प्रकार की। स्किन जो है हमारा क्या है, स्पर्श जो है ना भोजन का, वो भी आपको पाचन के लिए एंजाइम बनाने का काम करता है, ये ब्रेन पे सिग्नल जाता है, सिग्नल ये आपके एंजाइम इसी से सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपके सिक्रेशन करता है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में ये बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है, उनके रिसर्चर आधुनिक विज्ञान के यूं बोलेंगे भाई ये इसलिए किया जा रहा है कि इसमें जो ब्रेन के ऊपर सिग्नल जाता है, और ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पास में लीवर को ऐसे हार्मोन छोड़ने पर मजबूर करता है बॉडी के अंदर, और खुद भी छोड़ता है, जिसके कारण पाचन क्रिया जल्दी से जल्दी हो।
इसलिए वो लोग चावल को इस तरह से खाते, उनके यहाँ सब चीज गड मड मिला के खाते हैं, सारी चीजें उसमें बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं, बहुत सारे चावल आ जाता है, पता नहीं क्या तरह तरह का मिक्स करके जाते हैं। तो देश विरुद्ध आहार भी विरुद्ध आहार है, तो उनकी अपनी एक परंपराएं बनी हुई सब चीज। बाड़मेर चले जाइए राजस्थान में, राजस्थान में बाड़मेर में जाएंगे आपको गर्म है, जगह ही गर्म है, वहां -4 डिग्री टेम्परेचर चले जाओगे, चूरू के अंदर चले जाओ -4 से लेके 50 डिग्री तक टेम्परेचर मिलेगा। तो जो बॉडी में स्ट्रेंथ देने का काम करता है, इस टेम्परेचर को सहने की शक्ति प्रदान करता है, वो बाजरा देता है। तो बाजरे की रोटी आज भी खाते हैं वो लोग, चावल नहीं खाते। तो देश विरुद्ध आहार आप करोगे वहां जाके, चावल खाओगे तो आप भी पछताओगे, उनके जैसा खाओ तो आपको स्ट्रेंथ देगा बॉडी में, वहां की धरती के हिसाब से है वो। तो आयुर्वेद यही कहता है, मध्यम रहो हर चीज में, बहुत ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। पहली बार जब मेरी शादी हुई थी तो हम चित्तौड़ भ्रमण करने चले गए, कि शादी के बाद सब लोग सारी दुनिया जाती घूमने, है ना, शादी होती हम भी चले गए। हमारी श्रीमती जी, मेरे को तो आदत थी, मैं बाड़ में रहा हूँ चार पांच साल नहीं, मैं तो पैदा ही वहीं हूँ, मेरा जो है हायर सेकेंडरी की पढ़ाई तक वहीं की है, मेवाड़ की पैदाइश हूँ, तो मुझे तो पता है वहां पे ऐसा चमकी मिर्ची डाल के खाया जाता है, तो मेरा शरीर तो आदी है। हालांकि मैं रह रहा हूँ जयपुर में, यहाँ पर तो सब बिना मिर्ची का खाना, कम मिर्ची का खाना होता है, मसाले भी कम होते हैं, उधर मेवाड़ में तड़का बड़ा तेज होता है। ये बचपन का मेरा शरीर आदि है, इनका नहीं है। ये एक ही दिन में 10 लग गए, बाहर नहीं निकल पा रहे। मैंने कहा भाई क्या हुआ, बाहर नहीं निकलना है क्या, और जिस होटल में ठहरे थे कि भाई चलें भाई आगे भी तो कार्यक्रम करने हैं, ये निकल नहीं पा रहे। तो दाल बाटी खा लिया, दाल बाटी चूरमा, और वो दाल उस समय तो बड़ी टेस्टी लगती थी, लेकिन मसाला उसमें तड़का इतना तेज था, ये लोग उसको सहन नहीं कर पाए। हो गया काम तमाम। तो ऐसी स्थितियां जगह के हिसाब से होती है। तो समापन किया जाए, कुछ मुझे लगता नहीं है कि कुछ बाकी रहे होंगे। दादा मुझे पूछना था, आपने मंगलवार की क्लास में बताया था कि हमें दूध खड़े होके पीना है, पानी बैठकर पीना है, इसका क्या रीजन है, मुझे वो जानना था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यदि देखो, हमारे यहाँ तो कोई रीजन बताते नहीं, लेकिन आधुनिक विज्ञान वाले इस पे रिसर्च करते कि आयुर्वेद में क्या लिखा है, कौन सी सेंटेंस हो, बहुत सारे जैसे जर्मनी के अंदर बहुत रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, आयुर्वेद में ये क्यों लिखा है, बैठ के खाना चाहिए, ये चीज खड़े होकर करना चाहिए, ये चीज ऐसे करना चाहिए, ये चीज ऐसे करना चाहिए, ऐसा क्यों, तो ये ऐसा इसीलिए है। वो लोग रिसर्च करके अपने हिसाब से बताते हैं कि हमारे जो बॉडी का ऑर्गन है, यदि हम कोई चीज गर्म पदार्थ को खड़े होकर के पी लेंगे तो हमारा बॉडी जो भी गर्म चीजें होती है उसमें सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस टेंशन यानी शरीर के ऊपर जो अंगों के ऊपर जो प्रेशर यानी प्रभावशीलता उनकी कम होती है, समझ रहे हैं। तो हम बैठते हैं तो कौन ऐसा आदमी जो एकदम तन करके बैठता है, जैसे कोई योगा प्राणायाम करने बैठा है, ऐसा कोई बैठता है क्या? हम बैठते हैं तो हम आराम से ही बैठते हैं, हिंदुस्तानी है बिल्कुल, आंजा आराम से बैठते हैं, और खाना भी खाते हैं तो ऐसा तन के बैठ के तो कोई खाते नहीं। कितने लोगों को देखते हैं हम, ज्यादातर लोगों को आगे की तरफ झुक करके खाते हुए देखा हो। तो जो खाने का सिस्टम है, वो दूध जब पियेंगे आप आगे की तरफ झुक करके पिएंगे, सरफेस टेंशन ऑलरेडी वो आपका कम कर चुका है बॉडी का, और खुद का अपना तो है ही सरफेस टेंशन, तो उसका ठीक से अंदर तक पाचन के लिए वो पहुंचेगा नहीं, ठीक से उसका व्यवहार जो है आपके बॉडी के प्रति ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कई लोग पीना तो वही सिप सिप करके, क्योंकि वो मीठा है, ज्यादा फायदा लेना है तो खड़े होकर के पिएंगे, तो उससे आपको लार के साथ में मिक्स होके बॉडी में अंदर तक जाएगा, और वो लिक्विड फॉर्म में अंदर तक सीधा असर करेगा एक बार में, यानी ऊपर से नीचे तक सारे दिखेगा,
एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएगा, कलेक्ट नहीं हो पाएगा दूध, है ना, क्योंकि उसमें मीठापन भी है, तो मीठे को पचाने के लिए, यानी बॉडी के अंदर ऊपर से नीचे तक उसके पूरे फायदे लेने हैं, तो बॉडी को पूरा साफ करेगा, क्लींजिंग प्रोसेस के साथ करेगा, और उसके जो फायदे हैं वो पूरे आपको मिलेंगे, जो दूध के जो पाचन के बाद में जो शरीर को पोषण चाहिए वो पूरा मिले, और साथ में उसके जो लाभ गर्म होने के फायदे हैं, गर्म जो दूध पीते हैं, तासीर में ये ठंडा है, इसका विपाक ठंडा है, लेकिन खुद गर्म पीते हैं दूध, ठंडा तो पीते नहीं, तो गर्म जो दूध पीते हैं हम वो खड़े होके, इसलिए पीने को ये लोग बोलते हैं कि भाई इस तरह से इन्होंने बताया, ये भाई परफेक्ट है। पानी को ठंडा, ठंड पानी को जो नीचे बैठ के, क्योंकि पानी रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर का कोई भी मटेरियल हम हमें बैठ के ही यूज करना है, ठीक है। हाँ, ये मतलब इतना गहरा विज्ञान है आयुर्वेद, आज का विज्ञान तो इसमें सोच ही नहीं पा रहा है कि ये ऐसा वैसा क्यों है, कि इसमें फिजिक्स यूज हो रहा है, और आज का विज्ञान सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित है, यहाँ पे फिजिक्स के सिद्धांत भी काम में आ रहे हैं, केमिस्ट्री भी काम में आ रही है, बायो तो है ही, तो आयुर्वेद के सिद्धांतों में फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, क्या पता इसको लिखते समय सारे विद्वान अलग अलग विषयों के बैठे होंगे, तब जाके चर्चा बनी होगी, फिर कुछ किया होगा, बहुत गहरा, टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत जबरदस्त है, ये बात अलग है कि हमको समझ में नहीं आता, वो आज भी कई विषयों पर हम अटके पड़े, ये ऐसा क्यों है, ये तो आप जब उसमें शोध करोगे जब चीजें समझ में आएगी। ओके सर, थैंक यू, प्रणाम सभी को, प्रणाम, धन्यवाद दादा, धन्यवाद, धन्यवाद। क्लासरूम बंद कर दीजिएगा।